नमस्कार, सनमार्ग में आप सबका स्वागत है। लोकसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं और उम्मीदवारों द्वारा जोर शोर से चुनाव प्रचार भी किया जा रहा है। इसी बीच हम आ पहुंचे हैं पुरुलिया लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार ज्योतिर्मय सिंह महतो जी के पास। बात करते हैं ज्योतिर्मय जी से और जानते हैं उनका क्या कहना है चुनाव प्रचार को लेकर के और लोकसभा चुनाव को लेकर के उनकी क्या राय है। तो ज्योतिर्मय जी, सबसे पहले ये बताइए, आप इतने दिनों से प्रचार कर रहे हैं तो कैसा लग रहा है, लोगों के बीच जा कर के कैसी प्रतिक्रिया मिल रही है? देखिए, पुरुलिया की जो वर्तमान परिस्थिति है, ये 2016 की जो चुनाव विधानसभा चुनाव थी उसके बाद से ही ममता बनर्जी से आदमी उब चुके हैं, विकल्प के तलाश में थे, विकल्प हम लोग दे रहे हैं और आदमी यहाँ पूरा पूरी भाजपा के साथ है। उसका जो अत्याचार है, पिछले पंचायत जो चुनाव है, पंचायत चुनाव में इतना अत्याचार हुआ, पुरुलिया में तो आपने 6 जन को उन लोग शहीद कर दिए, ऐसा हालत कर दिया है पुरुलिया को कि आदमी पूरा पूरी भाजपा के साथ है। जहाँ एक गांव जा रहे हैं तो दूसरे गांव जबरदस्ती ले जा रहे हैं जनता, भाजपा के कार्यकर्ता को परेशान कर रहे हैं आम जनता की उम्मीदवार को लेके आओ, ऐसा परिस्थिति बन गया है। यहाँ लड़ाई किसी के साथ है नहीं, जनता अपने साथ है, विपक्ष वाले अपना कौन दूसरे पोजिशन में रहेंगे उसके लिए उन लोग के बीच की लड़ाई है, अपने साथ किसी का लड़ाई नहीं है। तो पुरुलिया जो लोकसभा सीट है, तो यहाँ से मतलब क्या ऐसी समस्याएं हैं जो आप लोगों के सामने लाना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पूरा पूरी समस्या स्वतंत्र के जो 71 साल हो चुकी है, यहाँ कुछ भी डेवलप नहीं हुआ है, पूरा एकदम एरिया पूरा खाली पड़ा हुआ है, सूखा पड़ा हुआ है, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं। पानी के लिए आदमी तरस रहे हैं, जंगल काटा जा रहा है, जल जमीन सुरक्षित नहीं है यहाँ। हम लोग यही कोशिश करेंगे कि इस बार भाजपा यहाँ जीतेगी, सेंट्रल में इसका आवाज़ उठाएंगे और इस जो राक्षसिनी की जो सरकार है इसको यहाँ हम लोग परास्त करेंगे। आपकी जीत के बाद क्या प्राथमिकताएं होंगी पुरुलिया की जनता के लिए? देखिए, यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, प्राथमिकता सब कुछ करना पड़ेगा, है शुरू से करना पड़ेगा। जैसे बच्चों को स्कूल भेजा जाता है तो क्या होता है, उसको हर चीज़ सिखाया जाता है, ऐसे यहाँ डेवलपमेंट के लिए सब कुछ फेलियर है इस गवर्नमेंट की जो ये है। और यहाँ के जो सांसद इतना दिन तक रहे हैं उन लोग कुछ भी नहीं किया है, गया है संसद भवन के वहाँ चाय पिया है और सिर्फ भाषण सुना है, अपना मत कभी नहीं रखा है। कम्युनिस्ट का यहाँ से सांसद रहा है, कम्युनिस्ट के समर्थन में फॉरवर्ड ब्लॉक, उसके बाद उसके पहले कांग्रेस का रहा है, बाद में अभी तृणमूल का जो है, इन लोग कुछ भी नहीं किया, गया सिर्फ संसद भवन में चाय पिया है और वापस आया है पुरुलिया और कुछ नहीं किया है। अपनी लड़ाई आप किससे मान करके चल रहे हैं, अपना प्रतिद्वंदी किसे मान रहे हैं और उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं शुरू में ही बता दिया आपको इसका जवाब, यहाँ अपने पास भाजपा की कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, भाजपा यहाँ जनता भाजपा के साथ है। और प्रतिद्वंदी तो क्या बोलेंगे, इन लोग दूसरा पोजीशन के लिए अपना कौन होगा इसलिए उन लोग का लड़ाई है, भाजपा के साथ किसी का प्रतिद्वंदी नहीं है। आप कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर के? हम 100% आश्वस्त, इसमें कोई संदेह नहीं है, भाजपा यहाँ जीतेगी। हमने बात की ज्योतिर्मय जी से और वो अपनी जीत को लेकर के पूरी तरह से आश्वस्त है। हालांकि 23 मई को ही ये पता चल पाएगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। कैमरामैन रवि के साथ मैं मधु सिंह, सनमार्ग, पुरुलिया।